ये भी लगभग ये सब भी बांस का ही बनाया गया है, जैसे ये सब भी यूज़ करने वाला सब है बांस का ही है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब मिट्टी का बना हुआ है। ये सब चीज़ आपको इधर अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सब जो पत्थर दिख रहा है ये कोई पहाड़ी इलाका या कहीं समुद्री इलाके के बीच बाहर नहीं है, बल्कि ये पटना के बिहार म्यूज़ियम जो है उसके अंदर ये सब बनाया गया, काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ, पटना में हूँ मैं अभी, तो चल रहा हूँ मैं बिहार म्यूज़ियम, और वहाँ चलते हैं देखते हैं बिहार म्यूज़ियम में क्या देखने को म्यूज़ियम में मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसे आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी पहुंच चुका हूँ बिहार म्यूज़ियम, जो कि आपको लोगो दिख रहा है और नाम भी दिख रहा है, तो फाइनली मैं अभी अंदर चलता हूँ और अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। फाइनली मैं भी अंदर आ चुका हूँ, तो चल रहा हूँ अंदर, और टिकट वगैरह पता नहीं काउंटर कहाँ पे, तो काउंटर देखते हैं और टिकट लेते हैं। तो फाइनली मैंने अभी टिकट ले लिया हूँ, लेकिन ये टिकट बहुत महंगा है, क्योंकि हमको लगता है पटना म्यूज़ियम में जितना पटना म्यूज़ियम वगैरह है सबसे महंगा ये टिकट है, 100 रुपये का ओनली ऑन ये टिकट है। तो चलिए 100 रुपये के हिसाब से अंदर देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। मतलब ये लग रहा है कि म्यूज़ियम है, अब लगता कि म्यूज़ियम में बिहार म्यूज़ियम जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग कमर कस के बैठिए और चलिए मैं अंदर चलता हूँ। फिलहाल मैं ये एरिया दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत नाम सुना था कि नीतीश कुमार ने इसके बहुत सारा फंड दिया था बनाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या बनवाया इसके अंदर। जैसे कि देख सकते हैं एरिया काफ़ी बड़ा है और पूरा एयर कंडीशन है, शीशा के अंदर सब, अंदर आने के बाद सब एयर कंडीशन है। देखिए कितना हॉल स्पेस कितना है। तो चलिए फिलहाल हम अंदर चल रहे हैं। सर आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम शॉप है, तो इसमें मतलब म्यूज़ियम में बहुत कुछ मिलने वाला है, आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको सब कुछ मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप लोग धैर्य रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शॉप जैसे मार्केट में खुलता है वैसे ही यहाँ पर भी है। लकड़ी का सामान सब है, जैसे कि देख सकते हैं लकड़ी का सामान सब जैसे यूज। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कितना काफ़ी अच्छा अच्छा सामान रखा हुआ है। मतलब ये शॉप है म्यूज़ियम के अंदर, आप यहाँ से मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि म्यूज़ियम में एक अच्छा अच्छा चीज़ रहता है जो कि यादगार के लिए आदमी ख़रीदता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किधर मिट्टी का भी सामान रखा हुआ है, स्टोन का रखा हुआ है, जैसे मूर्ति वगैरह बना कर रखा गया, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा इधर भी स्टोन का है, काफ़ी अच्छा लेकिन बनाया गया। मैं पहली बार आज इसमें आया हूँ। और ये मैं देख, ये बाँस का है, ये आपने देखा नहीं होगा, ये बांस का है, एकदम अच्छे से देखिए आप, पूरा ये बांस का ही है, चाय पीने वाला, पानी पीने वाला, हर चीज़ जो है ये बांस का बनाया गया। ये भी लगभग ये सब भी बांस का ही बनाया गया है, जैसे ये सब भी यूज़ करने वाला सब है बांस का ही है। और इधर आपको कपड़ा मिलेगा, जैसे इसको यूज़ करते हैं कुर्ता वगैरह पर नेता लोग पहनते हैं बेसिकली ज़्यादा करके ये सब, और इधर लेडीज़ का भी कपड़ा है, ये सब भी आपको इधर मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये सब मिट्टी का बना हुआ है, ये सब चीज़ आपको इधर अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपको फूल हो गया, जैसे कि ये नॉर्मल फूल प्लास्टिक का मुझे लग रहा फूल है लेकिन अच्छा है, और ये बांस का है, ये पूरा ये जो है इसका रखने वाला जो है ना ये बांस का सब बनाया गया, तो ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा। और ये है जो ये सब लकड़ी का, ये सब लकड़ी का बनाया गया। अब लग रहा है मुझे कि मैं म्यूज़ियम में आया हूँ, क्योंकि मैं 2-3 म्यूज़ियम अभी तक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये सब म्यूज़ियम है, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ म्यूज़ियम। ये देख सकते हैं इधर आप पत्थर पे, ये कितना अच्छा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि उधर चिड़िया के मुंह में, पता नहीं वो चिड़िया क्या है, कौन सा चिड़िया मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके मुंह से रस्सी बांध के लटकाया गया है। और इधर पत्थर वगैरह रख करके लोग फोटोग्राफ शूट कराते हैं, उस पर पेड़ भी लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए हम भी गुफा में चलते हैं। ये सब जो पत्थर दिख रहा है ये कोई पहाड़ी इलाका या कहीं समुद्री इलाके के बीच बाहर नहीं है, बल्कि ये पटना के बिहार म्यूज़ियम जो है उसके अंदर ये सब बनाया गया, काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगता है। तो चलिए अंदर मैं दिखाता हूँ, पेड़ वगैरह भी लगाया गया अच्छा काफ़ी, तो इधर आम का पेड़ लगाया गया, इधर आप देख सकते हैं इधर आम है,
आम का पेड़ है जो कि आम भी फल रहा है। प्लास्टिक का ही है, मतलब रियल नहीं है लेकिन प्लास्टिक का अच्छा लेकिन है। और इधर भी एक पेड़ लगाया गया और ऊपर देखिए कितना अच्छे से बनाया गया, और इधर भी पत्थर वगैरह सब दे के बनाया गया है, और इसके अंदर कंप्यूटर भी सेट किया गया जबकि बच्चों वगैरह के खेलने के लिए यहाँ पे आप कंप्यूटर वगैरह भी सेट किया गया। और इधर अपना भाई साहब सो रहे हैं। अच्छा, इसको डिजिटल बनाया गया जैसे कि आप कंप्यूटर इसमें सेट किया गया है, और उसको बच्चे लोग अपना काफ़ी इसे आनंद लेते हैं जैसे इसको अपना खेलते हैं, गेम वगैरह खेलने के लिए बनाया गया। और इधर और ये भी बना के इसका स्टैचू बना के रखा गया जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा भी है, जैसे कि हम लोग चिड़ियाघर में देखते थे जिंदा, लेकिन आज ये बिहार म्यूजियम में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपको ये पूरा दिख रहा है। और इसके आगे भी चलते हैं और आगे आपको फिर दिखाते हैं, इसके अंदर चल रहे हैं अभी और अंदर क्या इसके अंदर फिर वो देखते हैं। देख सकते हैं जैसे कि पेड़ के ऊपर भालू लटक रहा है और इसके ऊपर गिद्ध है, पता नहीं क्या है उसके ऊपर, वो भी लटक रहा है। और इधर ये गाय है और इधर शेर है, जंगलों का राजा जो कि एकदम लग रहा है किसी को खा जाएंगे, अभी बहुत भूखे प्यासे है। और ये लकड़ी का गेट बनाया गया है जो कि इसके अंदर भी घूमने की बहुत अच्छी जगह, फोटो वगैरह शूट करा सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल हम इसके अंदर चल रहे और देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर है बहुत से लोग वहाँ बैठने वाला बनाया गया है, फ़ोटो शूट करते हैं, जैसे कि अभी फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है तो फिलहाल अभी हमको करना नहीं क्योंकि ब्लॉग शूट करना है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग लग क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर तरह का मिरर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हुइएगा तो आपको आपका फ़ोटो हर तरह से आपको हर एंगल में आपको दिखेगा। काफ़ी अच्छा लेकिन बनाया गया बिहार म्यूज़ियम को, अभी तक मैंने जितना घूमा म्यूज़ियम देखा सबसे अच्छा यही बनाया गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर दूरबीन लगा हुआ है तो उसे आप नीचे का जो भी सामान उसे आराम से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन चार दूरबीन लगा हुआ है, जिससे सामने आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है जो कि सामने लगा हुआ डिस्प्ले में। इसे आप भी देख सकते हैं कि सब लोग हैं फोटो शूट वगैरह करा रहे हैं, और वो चिड़िया है जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है तो यहाँ पर सब लोग फोटो शूट कराते हैं, ये समझो फोटो सेल्फी पॉइंट एक ही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये बिहार संग्रहालय है, तो फिलहाल इसके अंदर हम चल रहे हैं। पूरा है ये पूरा जैन धर्म का यहाँ पर मूर्ति या उसके धर्म से रिलेटिव जितना भी सामान सब है इस एरिया पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जैन धर्म में जो भी चीज़ है वो सब यहाँ आवश्यक चीज़ सब है वहाँ रखा हुआ है। मतलब कि इसमें घूमने का मज़ा ही कुछ और है, मैं बता नहीं सकता। ये आपको वीडियो में दिख रहा है ना ये सामने, उसमें जितना भी बर्तन हम लोग यूज़ करते खाने पीने में चीज़ है ना, लगभग वो मुझे सब चीज़ दिख रहा है, और वो चीज़ मिक्स करके है ना वो एक मतलब कि वो राउंड बनाया गया गोल, उसमें खाना बनाने वाला टिफिन, खाना लेके जाने वाला, खाना खाने वाला, पानी पीने वाला, मतलब जो चीज़ होता है यूज़ घर में खाना से बनाने से खाने में, और अलमीरा भी है लग उसमें, हर चीज़ उसमें यूज़ किया गया और कितना अच्छा लग रहा देखने में। बिहार म्यूज़ियम में आने के बाद बहुत मज़ा आया, मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आया। और सब जगह कैमरा लेकर जाना और वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं, इसलिए
वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो एक बार बिहार म्यूजियम पटना में ज़रूर आकर देखें। सब है ना उसके अंदर का, ये म्यूजियम के अंदर का, जैसे घर वगैरह दिख रहा है ना अंधेरा वगैरह, तो ये मत समझना कि बाहर का है, म्यूजियम के अंदर का ये सब चीज़। जैसे ये देखो इधर शीशा में पैक है, पहले जो लोग यूज़ करते थे बर्तन वगैरह पानी पीने खाना बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते थे वो सब भी है, प्राचीन काल का जो चीज़ सब है वो सब है। इधर दीवार बना के ये सब लगाया गया है। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा वहाँ वहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पॉसिबल नहीं है, जहाँ अलाउड नहीं है वहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर आप बिहार से हो तो एक बार ज़रूर आइए और यहाँ विज़िट कीजिए, और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देखिएगा तो। ये इतना बड़ा म्यूजियम है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, अगर घूमने आओगे तो इधर से घुसोगे उधर घूम हो जाओगे, इधर से घुसोगे वो छूट जाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। मैं इधर से जा रहा हूँ उधर निकल रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ इधर कुछ ना कुछ छूट गया। बहुत बड़ा म्यूजियम भाई, अगर आप बिहार से हैं तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पटना आइए और बिहार म्यूजियम कम से कम ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर बिहार म्यूजियम नहीं देखे तो फिर बिहार में कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जो आपको ये संतुष्टि दे सके जो इस म्यूजियम में है, क्योंकि इतना बड़ा कि आप उसमें गुम हो जाइएगा, घूमते घूमते थक जाइएगा। इसमें ज़्यादा चित्रकला सब बनाया गया, ये पूरा ये बांस से पूरा यूज़ किया गया है, ये पूरा घर बनाया गया, एक दो तीन तीन मंजिला यह घर बनाया गया जो कि बांस से, काफ़ी अच्छा है। और इधर प्राचीन चीज़ सब रखा गया है, इसमें भी शीशा में पूरा पैक है, इसलिए इसको टच नहीं करना रहता है। इसी के अंदर देखिए म्यूजियम के अंदर कितना अच्छा से पेड़ लगाया गया, जैसे काफ़ी अच्छा पेड़ लगाया गया, उसका जैसे मंदिर पेड़ के बाजू में बैठने वाला बना रहता है चबूतरा, वैसे बैठने के लिए भी बनाया गया। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि मैं इसमें कितना देर घूमूं, एक तो थक गया हूँ प्लस में कि घूमना भी है, और उसके बाद से कि अब मैं वीडियो का ये लास्ट पॉइंट बनाने के लिए सबसे ऊपर फ्लोर पे चल रहा हूँ और वहाँ देखता हूँ वहाँ क्या देखने को मिलता है। ये सिक्का सब है जो कि मुग़ल साम्राज्य में चला करता था, और मुग़ल साम्राज्य को दिखाया गया जो कि उस टाइम जो भी चीज़ हुआ करते थे। ये आपको तलवार वगैरह देखने को मिल रहा जो कि मुग़ल शासन के द्वारा ये सब यूज किया जाता था। ये इस पार्क में बहुत अच्छा दिया गया कि डिजिटल ऐप मतलब कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख दिल्ली सर्च करना, उसके बारे में अपने आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं, पुराना किला के बारे में इसके बारे में क्या है। अब जिसका भी आपको डिटेल्स लेना है उसके आप कीजिए, उसके बाद जैसे हमको यहाँ इसका डिटेल्स लेना है साम्राज्य का तो यहाँ पर कीजिए, और इसका पूरा डिटेल्स यहाँ से आ जाएगा, शेर शाह के बारे में आपका पूरा आ जाएगा। ये बहुत अच्छा है जो बिहार म्यूजियम में पटना में डिजिटल इसको बना दिया गया। फाइनली मैंने बिहार म्यूजियम को लगभग पूरी तरह से दिखा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पहला काम कीजिए सब्सक्राइब और